इबिरॉक्स टीम, तो अभी नॉर्वेजियन लीग का मैच हो रहा है, रोजनबर्ग वर्सेस एचएयू के बीच 1 घंटे 11 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें इस मैच की। देन रोजनबर्ग और एचएयू के अंदर रोजनबर्ग टीम है तेज, लेकिन सामने वाली टीम भी कम मत समझना, वो कर सकती है ने गोल। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो मैंने पिछले मैच में कहा था वही मैं इस मैच में कह रहा हूं, जो पिछले मैच में हुआ वो इस मैच में भी हो सकता है, मतलब दोनों तरफ से गोल, और वो अच्छी बात है। सबसे पहले मैं बात करूं गोल कीपर की, यहाँ पर लूँगा एजिल सेल्विक को। ये बढ़िया हो गया कि हमारी गोल कीपर काफ़ी ज़्यादा सेफ आ गई है, क्योंकि मैंने भी पहले सेल्विक की लेनी थी। अगर इसकी सिलेक्शन 2% भी होती तो भी ये मेरी टीम में होती, तो मेरे को वो टेंशन नहीं है। मैं सिलेक्शन वैक्शन के ऊपर नहीं जी रहा भाई, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैं प्लेयर को लेना चाह एंड ली है। आगे से अगर बात करें तो यहां पर एक प्लेयर है एस रीस। अब सोरेन रीस लूं कि टी पीटरसन, अब यहां पर है कंफ्यूजन, क्योंकि थॉर पीटरसन भी अच्छा खेलता है और एस रीस भी अच्छा खेलता है। अब यहां पर कंफ्यूजन है कि भाई किसको ले। तो अगर आपने पीटरसन को लेना है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मतलब मैं आपको बता दूं, अगर लेना है देन यू कैन ट्राई, आप ले सकते हैं, लेकिन देख लो एस रीस को, ये भी अच्छा है। आगे से अगर बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है मार्कस हेनरिकसन। तो मार्कस हेनरिकसन भाई, ये भी मतलब एकदम अपनी टीम का रोजनबर्ग का सबसे मेन प्लेयर है, खेलता एकदम डिसेंट है, तो लेना हो तो टीम में ले लेना, क्योंकि अगर आप रोजनबर्ग को फेवर कर रहे हैं तो आप 101% लोगे, लेकिन जो लोग रोजनबर्ग टीम को फेवर नहीं कर रहे शायद वो भी लेंगे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मेन प्लेयर है। आगे से बात करें देन यहाँ पर है गियम पोली। तो यहाँ पर एक प्लेयर है गियम पोली जो कि बिल्कुल ठीक खेलता है, लेकिन इसकी जगह रॉजर्स खेल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि मैं रॉजर्स लूँ किसके साथ जाऊँ, क्योंकि मैं देखूंगा लाइनअप्स, आफ्टर लाइनअप्स काफ़ी इजी हो जाता है टीम बनाना। सो अभी आप इसको ले लीजिए। एंड वैजिक की बात करें, अभी आप पैवले वैजिक को भी सेव कर लो, क्योंकि ये भी थर्ड डिफेंडिंग पे कई बार तो एकदम टॉप खेलना शुरू हो जाता है, इसलिए भाई प्लेयर को लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्लेयर है इनका टोबियास। अब टोबियास बॉर्किट हमारी टीम में है नहीं, यहाँ पर लोगों को लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन गाइस ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने नीचे से एक प्लेयर ले रखा है एडवर्ड। अब एडवर्ड के साथ जाऊँ कि बॉर्किट के साथ, ये है कन्फ्यूज़न का दूसरा नाम, इसलिए मैं आपको बता दूं। और कई लोग क्या करेंगे कि नीचे से वी इसको छोड़ के ऊपर से ले लेंगे, लेकिन आपने वी जैनसन को नहीं छोड़ना, विक्टर जैनसन अपनी टीम का मेन प्लेयर है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आज के मैच में आप इसको गोल करता देखो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड के मार्टिन की बात करें, यहाँ पर है केविन मार्टिन क्रेगार्ड एचएयू का सबसे, ये भी मेन प्लेयर मिड फील्डिंग में टॉप नाम के मार्टिन। चलता है तो एक साथ ही दो दो गोल करने की भी क्षमता है, लेकिन जब नहीं चलता तो मुश्किल से या असिस्ट भी नहीं कर पाता, इसलिए प्लेयर को लेना है ज़रूरी। बाकी आप इन दोनों के बीच में अगर आप जो भी करना चेक कर सकते हैं। मुझे पता है नॉर्वेजियन लीग की कईयों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये लीग बहुत कम होती है, इसलिए मैं आपको एक अच्छी राय दूं तो आप बॉर्केट के साथ सेफ चले जाओ, क्योंकि मैं तो टेक्सास के साथ रिस्क ले रहा था, लेकिन नहीं लेना देन यू कैन गो विद बॉर्केट। आगे से बात करें नदौर की, देन यहां पर है ओलियन नदौर, जिस प्लेयर को लेना जरूर, क्योंकि नदौर एंड एक प्लेयर है अलेक्जेंडर और ए नदौर, दोनों मिलकर सामने वाली टीम की बैंड बजा देते हैं, आप मानेंगे नहीं। मैंने अभी यहां से नो हॉलम को ले रखा था, लेकिन मैंने अपनी टीम से नो जी एन हॉलम को निकाल के इसको लिया है अलेक्जेंडर को। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये बंदा जब गोल करने में आता है देन लिटरली ना ये आगे देखता ना पीछे, ना आगे से बात करें, यहाँ पर है स्टीफेनो, इसका ओरिजिनल नाम स्टीफेनो, पता नहीं क्या है इसका नाम, है स्टीफेनो वेनिची इसका नाम असली, ये तो पता नहीं इन्होंने हॉलम क्विस्ट लिखा हुआ है, वैसे इसका नाम हॉलम क्विस्ट भी होगा, लेकिन इसको मैं अच्छी तरह वेनिची के नाम से जानता हूँ, इसलिए इसको ले लो। एंड आगे से बात करें, मेरा कैप्टन है एस हॉलम क्विस्ट, वाइस कैप्टन है नोदियोर, बाकी आप लोग अगर चाहें तो इसको रख सकते हैं, बाकी मैं आपको राय दे दूंगा। और अच्छी आपने यूट्यूब अपने टेलीग्राम चैनल पर अगर ओपन आनी हुई टीम तो मैं बता दूंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।